और ये है लास्ट एपिसोड ऑफ द जयपुर ट्रैवलिंग सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैंने आपको बहुत अलग अलग चीजें दिखाई है। मैंने आपको एकदम बहुत ही फैंसी हेरिटेज बुटीक होटल दिखाया है, हॉस्टल्स के कॉन्सेप्ट देखने हैं तो वो भी मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको इसी सीरीज में मैंने आपको इंडियन रेलवेज की सबसे जो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट जर्नी रही है राजधानी की, वो रही है फर्स्ट एसी की अहमदाबाद राजधानी की, वो भी मैंने आपको इस सीरीज में दिखाया है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस सीरीज में दिखाई है। आज हम लोग जयपुर ट्रैवलिंग गाइड को एंड कर रहे हैं जयपुर के अंदर की चीजें देख के। जो पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको दिखाया, दो तीन वीडियोस में, वो मैंने आपको बाहर दिखाया, आमेर फोर्ट दिखाया, नाहरगढ़ फोर्ट दिखाया, जयगढ़ फोर्ट दिखाया। जयपुर के बाहर आउटस्कर्ट्स में है वो। जयपुर के अंदर देखने की क्या क्या चीजें हैं, एल्बर्ट हॉल, हवा महल, सिटी पैलेस, राज मंदिर, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके हम लोग सारी इस वीडियो में वो चीजें देखेंगे। जमे रहिए वीडियो को एंड तक, देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको जयपुर का सफर। जो अगली वीडियो आएगी उसमें बैंगलोर की सीरीज चालू हो जाएगी और बैंगलोर के बहुत बढ़िया आपको पूरे बैंगलोर के दर्शन कराएंगे। उसके बाद पूरा जैम पैक्ड है, मतलब आपको और मेरा साथ बना रहेगा। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड फ्यू। जो मंदिर एक्सप्लोर कर रहे हैं उनमें से पहला मंदिर है मोती डूंगड़ी और हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:45, दर्शन करते हैं। इनको ही बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं ना। हाँ, पेड़े तो लड्डू ही है बेसन वाले। बस ये है मोती रोज पिंक। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये कौन कौन अपने कौन से गेट्स रहते हैं? अजमेरी गेट रहता है, दिस वन वाज द फर्स्ट वन, अजमेरी गेट, गुलाबी नगरी। बट एज पर माय मॉम, कपल ऑफ पीपल्स हैव ट्राइड इट। दिस गेट इज सम सॉर्ट ऑफ कर्स्ड और समथिंग, के दो तीन लोगों ने ट्राई करा, उनकी नेक्स्ट डे या हफ्ते भर के अंदर अंदर डेथ हो गई। अच्छा, एंड ओनली द रॉयल फैमिली मेंबर्स दे कैन ओनली पास थ्रू द स्पूकी। तो ये कौन सा गेट है? त्रिपोलिया गेट से रॉयल फैमिली और गणगौर माता की सवारी निकलती है सर। सो दिस इज चौड़ा रास्ता, यहाँ पे सारा 80% ऑफ द रोड उस गेट से अगर यहाँ तक आओगे ना, 80% मार्केट स्टेशनरी से रिलेटेड काम करता है। यहाँ पे आपका अर्ली शॉप्स है, आपके बुक्स वगैरह की, ये बेसिकली बाबू बाजार है। तो जयपुर में दो बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक है आपका बापू बाज़ार, एक है झोरी बाज़ार। जयपुर का राजस्थानी प्रिंट बहुत फेमस है, आप चादरें ले सकते हैं, आप साड़ीज़ ले सकते हैं। बेसिकली लड़कियों के लिए ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए चीज़ें, आप ये ऑथेंटिक चीज़ें भी ले सकते हैं और आपको सजाने वजाने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी जयपुर में। लड़कों के लिए थोड़ा सा कम सामान है बट आपको फिर भी मिल जाएगा। सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी स्कूटी या बाइक को हायर कर सकते हैं। गूगल पे जस्ट लिखे हायर बाइक्स इन जयपुर। मैंने ऑन बाइक से बाइक ली थी, मेरे को 500 रुपीज़ की पड़ी थी, बट आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक चीज़ आपको चेक करने जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी बताता हूँ,
अब हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। आपका नाम भैया? संदीप जी। ओके थैंक यू संदीप जी। चलो जी अपनी हो गई है, गाड़ी आ गई अपने पास। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बाइक स्टार्ट करने से पहले, अपनी राइड स्टार्ट करने से पहले सब चेक कर ले कि सारे चीज़ें चल रही हैं, और अच्छे से वीडियो वगैरह बना लीजिए ताकि आपको एंड में दिक्कत ना हो। बारह बजे के बाद का टाइम उधर नहीं, यहाँ से नीचे से देखेंगे जहाँ वो खड़े हैं। हाँ हाँ वहीं से देखें, वो आप नीचे जाके देखिए नंबर लिखे हुए। अच्छा नंबर लिखे हुए हैं। छाया सेड होके छाया से तो 6 से 12 का टाइम सुबह का उधर इधर इधर छाव के हिसाब से रहेगा किस किस तरफ सूरज है। और ये सब क्या है? सभी सूर्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये राशियां हैं अपनी, स्कॉर्पियो वो सब होगी। ठीक है, और वो गोला क्या है? वो भी घड़ी प्राण दक्षिणान यंत्र। आप 10 मिनट का ज्योतिष का सीधे जाइए। हाँ जी लेफ्ट हैंड घूम हो गया। हाँ जी सामने एक मतलब बिल्डिंग दिखाई देगी, उसी में चले जाइए। 10 मिनट का शो चलता है, उसको कोई टिकट नहीं। वो समझने के लिए क्या है? वो देख के आओ, थोड़ा बहुत समझ आएगा। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। बेसिकली वो जो पार्ट है वो सारा का सारा राशियों का है। बेसिकली जंतर मंतर बहुत एस्ट्रोलॉजिकल जगह है, महाराजा जयसिंह ने इनको इसको बनवाया था। अब वो उधर देख रहे हैं तो वो है सिटी पैलेस, उधर नाहरगढ़ फोर्ट है, यहाँ जंतर मंतर है। ये ऑपरेशनल अभी है, दिल्ली वाले जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, उसकी केयर इतने अच्छे से हो नहीं पाई थी। यहाँ पे आपको टाइम पता चलेगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लॉक है इन ऑपरेशन, देखते हैं कैसे है। और यहाँ पे बिल्कुल सीधा जाएंगे तो एक 10 मिनट की वो है गाइड, आप सुन सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, अब यहाँ से छाया स्टार्ट हो रही है, वहाँ तक छाया जा रही है, तो ये टाइम बता रहा है ये सारा का सारा। और यहाँ पे मार्किंग्स है, एक मार्किंग, दो मार्किंग, तीन मार्किंग, चार मार्किंग, वहाँ तक एकदम ऊपर तक जा रही है, पूरा टाइम बता रही है। तो बेसिकली ये है इंटरप्रिटेशन सेंटर, यहाँ पे 10 मिनट का शो होता है, डॉक्यूमेंट्री होती है पूरे समझने के लिए जंतर मंतर। चलते हैं अंदर, देखता हूँ कैसा है, फिर आपको बताता हूँ। पूरा जंतर मंतर वो आपकी सारी, अच्छा ये एरियल व्यू है पूरा जंतर, जयपुर का जंतर मंतर। वो जंतर मंतर वो सारी आपके एस्ट्रो, वो आपकी सारी राशियां हैं। ये प्रकाश यंत्र है, ऑब्जर्वर है, यंत्र राज यंत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने को करने को। अच्छा जी, और ये हैं बाबा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे मामला। अच्छा ये रहे यहाँ पे, ये हैं यंत्र सारे, तो ये बता रखा है क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ पे 25 सीटें होती है और मैं सिर्फ अकेला बंदा था, तो उन्होंने बोला वेट करो, और आई थिंक आधा एक घंटा पता नहीं कितनी वेट कराएंगे। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिलहाल मैंने ये फिक्स कर लिया, ये एक वहीं पे जो इंटरप्रिटेशन सेंटर में ही एक एरियल व्यू दे रखा है और पूरा गाइड वाइड समझा रखा है, तो ये पढ़ लो आप आराम से वीडियो पॉज करके, तो आपको समझ आएगा जंतर मंतर कैसे काम करता है। बेसिकली वो जो उसके स्लोप है ना, वहाँ पे शैडो बनती है और उस हिसाब से टाइम पता चलता है, और बाकी सारी राशियाँ हैं और थोड़ा सा और एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारा हिंदू एस्ट्रोलॉजी है वो इतनी डाइवर्सिफाइड है, इतनी वाइड है, तो वो सारी चीज़ें समझा रखी है जो हमारे छोटे दिमाग में अभी तक पूरी समझ भी नहीं पाएंगे। तो जितना समझ पाओ उतना समझो, और जितना नहीं समझ पाओ उतना लोगों से पूछ लो, पूछो वरना पूछे बिना कुछ समझ नहीं पाओगे। बेसिकली बनाया गया था कि जो रानी है वो सिटी को देख सके, उनके लिए हवा महल बनाया गया था। हवा महल से चार दुकानें छोड़ के एक रास्ता जाता है ऊपर को, और फिर वहाँ से वहाँ का रास्ता आता है हवा महल के अंदर का। हवा महल का रास्ता कहाँ से आएगा? हवा महल का रास्ता, तो बेसिकली हवा महल का जो रास्ता है वो बैक साइड से है, जो हवा महल जहाँ से दिखता है वो अलग साइड से। अभी हम पहुंचते हैं, दो गेट हैं दोनों बैक साइड में, मैं फ्रंट जहां पे हवा महल है बना हुआ है वहां से आया हूं। एक चीज़ तो मुझे बाद में पता चली, यहाँ पे ना कॉम्पोजिट टिकट भी मिलती है, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, सबकी मिला मिलो के आपके 100-150 रुपये बच जाते हैं। तो
तो ये हवा महल के अंदर का एरिया है और आप वो सामने जो देख सकते हैं वो ऊपर का एरिया जो आपको बाहर से दिखता है जयपुर की सड़कों से, और ये अंदर का व्यू है हवा महल का। 50 रुपीज़ की टिकट होती है और अगर आप आधा एक घंटा निकाल के आएँ तो आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली देखिए, बहुत अलग नज़ारा मिलता है देखने को। तो यहाँ से आता तो बेसिकली सिटी का नज़ारा, नॉट बैड। वो उधर है टैटू कैफे जहाँ पे हम लोग जाके यहाँ का नज़ारा देखेंगे। बेसिकली हवा महल में देखने लायक ज़्यादा चीज़ें नहीं है पर व्यू बहुत है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देखते हैं आपकी सांस की क्षमता हो ऊपर चढ़ते जाओ। पूरा जंतर मंतर और सिर्फ हवा महल की खिड़कियों से ही अलग नज़ारा नहीं दिखता, हवा महल के टॉप फ्लोर से जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया वहाँ से भी काफ़ी अलग नज़ारा दिखता है। और अब हम जा रहे हैं हवा महल के ऑपोजिट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से बिल्कुल सामने हवा महल का व्यू दिखता है, तो वहाँ से आप जाके आराम से कुछ खाना खाइए। मैं अभी जिस कैफ़े में हूँ वो टैटू कैफ़े है, यहाँ पर सब वेजिटेरियन है। ये ग्रीक सैलेड है, अपन लोग ग्रीक सैलेड खा रहे हैं व्यू के साथ। हमारा जो व्यू है हवा महल का व्यू है। अभी हम एल्बर्ट हॉल में, और एल्बर्ट हॉल में ना कैमरा अलाउड नहीं है। उन्होंने मैं से पूछा आपके पास कैमरा है, मैंने बोला बैग में, कह रहे ठीक है तो आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ करो। मैंने बोला क्या मतलब, कह रहे मोबाइल फ़ोन में जितनी कैपेसिटी है जो हो सकता है मोबाइल फ़ोन में वो कर लो। मतलब कैमरा से अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन से अलाउड है फोटोग्राफी, सही है बॉस। तो बेसिकली ये एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको वॉर वेपनरी के बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगी, और वेसेस हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं यहाँ पे, मतलब कलेक्शन में है। एक बहुत ही सुंदर सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है और म्यूज़ियम के ग्राउंड फ्लोर पे ना आपको सुन के हैरानी होगी, बट म्यूज़ियम के ग्राउंड नहीं -1 फ्लोर पे बेसमेंट में म्यूज़ियम के मम्मी बनी हुई है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। बहुत मतलब देखने में काफ़ी सुंदर सी जगह है और ट्रेस वगैरह जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप आधा पौना घंटा यहाँ पे भी निकाल के आइए, और आई वुड रिकमेंड कि आप शाम को आइए 4 बजे के आसपास, 5 बजे बंद हो जाता है, और वहीं से आप चले जाइए मसाला चौक जो इसके जस्ट साथ में है। आपका बहुत अच्छा दिन जाएगा। और ये है मम्मी जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने आज तक लाइफ में इतनी कभी फुर्ती से मूवी देखने नहीं गया, और अभी टाइम हो रहा है 12:20 और मैं रेड लाइट पर आ गया। रेड लाइट से लेफ्ट लेकर राज मंदिर आता है, आई एम लिटरली, मेरा एयरबीएनबी राज मंदिर से 500 मीटर दूर है। लोग सोच रहे होंगे कि भाई जयपुर में जाके मूवी देखने में क्या मतलब क्या अलग है, बट आप जो अभी देख रहे हैं ये मूवी थिएटर है, यहाँ पे कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह या प्लेस वगैरह नहीं होते, यहाँ पे मूवी चल रही थी। और ये उनका जो मतलब एरिया रहता है ना इंटरवल वाला, वो है मतलब एकदम 5-स्टार होटल जैसा दिखता है एकदम। आप लाइटिंग देखिए,
क्रेजी और जस्ट एक एक्सपीरियंस है। आप कोई भी मूवी देखिए, इंटरवल तक देखिए या जो मर्जी, आप जो जैसे राजमंदिर में जब मूवी देखते हुए जो पर्दे ऊपर और नीचे होते हैं ना, उसका जो मज़ा है ना वो एकदम अलग है। और आई हैव नेवर बीन टू सच अ थिएटर जो इतना सुंदर हो देखने में, जिसका एक्सपीरियंस इतना शानदार हो। इसमें और सिटी पैलेस जब भी आप आओ तो गोविंद देव जी का मंदिर साथ में ही है। और यहाँ पे मंदिर में ना 6-5 झांकियाँ होती है, तो 1 से 5 के बीच में मंदिर बंद रहता है, तो आप टाइम अपना वैसे ही निकाल के आइए। इसमें 200 रुपये यहाँ की एंट्री टिकट है। अगर आप स्टूडेंट हो भाई, पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट ही बने रहो, हर जगह वो वहाँ पे अमेर फोर्ट में 10 रुपये की टिकट है, 10 वर्सेस 100, यहाँ पे 100 वर्सेस 100, 50% का तो मिनिमम डिस्काउंट मिल जाता है स्टूडेंट को। पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट रहो। तो ये बेसिकली सिटी पैलेस, तो जब बेसिकली रॉयल फैमिली आमेर फोर्ट से जयपुर जब ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गई थी, तो रॉयल फैमिली सिटी पैलेस में शिफ्ट हो गई थी। ये तो लोगों का निवास था, ये होम था। और ये बेसिकली ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे था कि यहाँ से अपना गोविंद देव जी का मंदिर दिखता था, और ऊपर जो गणपति का मंदिर है वो भी दिखता था पहाड़ी पे। कनेक्टिविटी लिंक भी है गोविंद देव जी और इसमें रॉयल फैमिली एक्सेस। वो एक्चुअली सिटी पैलेस का जो ये फोर्ट है ना, इसका अभी हाफ साइड पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, हाफ साइड अभी भी रॉयल फैमिली के पास है। तो वो जो सी थ्रू है ना गोविंद देव जी मंदिर से गणपति मंदिर और नाहरगढ़ फोर्ट का व्यू जो है, वो सिर्फ रॉयल फैमिली वाली साइड से दिखता है। प्रीतम निवास, यहाँ सब कुछ मतलब आर्टिस्टिक है, एक तरह से म्यूजियम है। इनके बेटे होंगे ना, आया था ना जयपुर को, हाँ ये इनके बेटे हैं ना, सवाई जयसिंह फर्स्ट फर्स्ट। सवाई जयसिंह के ना, मतलब उन्होंने नाम दिया था जयपुर को जे से। वो बेसिकली वो येलो वाला जो आप देख रहे हैं ना, वो साइड सिटी पैलेस की अभी भी बंद है, वो रॉयल फैमिली के लिए। तो बेसिकली सिटी सेंटर का जो आधा पार्ट पब्लिक के लिए रिजर्व करा हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे म्यूजियम्स बनाए हुए हैं जिनमें ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो जितना मैं दिखा पाऊँगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बट यहाँ पे कपड़ों की पोशाकों का म्यूजियम है, वॉर वेपन का म्यूजियम है, वो जितना दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा। ये पजामा हुआ करता था, इतना बड़ा, हाँ इतना चौड़ा पेट था। ओ भाई साहब, ऐसे कैसे? ये देखो इसमें लिखा हुआ है 109 सेंटीमीटर का। इसके हिसाब से क्या करोगे, ये सही है? तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस जयपुर सीरीज़ में, इस वीडियो में। क्योंकि मेरे को तो मतलब जयपुर से ना, मतलब जयपुर का आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है ना, द रॉयल राजपूती वाइब्स ब्यूटीफुल। जयपुर में कभी भी आओ, मेरे हिसाब से, मेरी माने तो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, 2 दिन तो आप नाहरगढ़ और आमेर के लिए निकाल के आइए। 2 दिन आप जयपुर के अंदर ये जो आपका जो मैंने आपको सब कुछ दिखाया उसके लिए निकाल के लाइए। 4 से 4 दिन आप जयपुर में आराम से, 5 दिन में आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर लेंगे, 4 दिन में आप आराम से कर लेंगे। और अगर आपको सारी चीज़ें नहीं देखनी, मेन चीज़ें या फिर कुछ कुछ देखना है, तो आप मिनिमम 2 दिन जयपुर के लिए कम से कम निकाल के लाइए, तभी आप जयपुर को पूरा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अब स्टार्ट होने वाली है बैंगलोर की सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग जम के पहले तो सबसे पहले करने वाले हैं एक बहुत ही 40 घंटे की ट्रेन जर्नी, और उसके बाद फिर बैंगलोर के 5 स्टार होटल में रुकेंगे, फैंसी लग्जूरियस एयरबीएनबीज में रुकेंगे, आपको सारा सफर एंजॉय करवाऊंगा। आपको और मेरा साथ बना रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबा देंगे। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी।